वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। इस वीडियो में हम बात करने वाले उमंस अमेरिकन बास्केटबॉल लीग का जो सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है कनेक्टिकट वुमेंस वर्सेस न्यूयॉर्क वुमेंस के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइनअप में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने आपको देकर रखी है कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोनों टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में। जो लास्ट मैचेस की टीम थी, जो यानी जो आज का मैच होने वाला है, सेम टीम लास्ट मैच में भी मैंने यहाँ पर दी थी और रे अल्ट्रा क्लीन स्वीप की थी, क्योंकि आपस स्टीवर्ड किसी के पास भी नहीं थी लास्ट मैचेस में और स्टीवर्ड ने बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए थे। आज के मैचेस में भी यही सीनारियोज आपको देखने को मिलेंगे, स्टीवर्ड काफ़ी ज़्यादा अपोनेंट के पास आज के मैचेस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट मैचेस में इस प्लेयर ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में, पांच मैचेस की सीरीज खेले जाने वाले इन दोनों टीम के बीच में, जो कि सेमीफाइनल मैचेस की सीरीज है। जो टीम तीन मैच विन करेंगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। दोनों टीम के बीच में अभी यहाँ पर पांच मैचेस की सीरीज में से दो मैच हो चुके हैं और दोनों टीम ने एक एक मैच विन किया है। आज का मैच कनेक्टिकट्स अपने होम में खेल रहे, न्यूयॉर्क अवे मैचेस खेल रहे, और कनेक्टिकट्स का जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है वो डिफेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है। कनेक्टिकट्स वुमेंस का डिफेंस बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अपर न्यूयॉर्क, और इसके चलते यहाँ पर न्यूयॉर्क के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ब्रायना स्टीवर्ट हो या फिर सबरीना लुसेंस हो, जो इंपॉर्टेंट शूटर्स है, वो ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर दे नहीं पा रहे। आज के मैचेस के लिए क्या कुछ एनालिसिस रहेंगे उसे भी डिस्कस करेंगे। आज का मैच कनेक्टिकट्स के होम में खेला जाने वाला है। अगर आप यहाँ पर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कनेक्टिकट्स के फेवरेबल में आप यहाँ पर टीम बनाने की, क्योंकि चांसेस रहेंगे कि आज के मैचेस में कनेक्टिकट्स अपने होम में बेटर परफॉर्मेंस देंगे। अगर यहाँ पर ये हो गया तो वन साइडेडली आपका विन रहेंगे, क्योंकि कनेक्टिकट्स की तरफ से कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा है कि यहाँ पर ये टीम आज का मैच यहाँ पर विन करेंगी। सेम स्टार्टिंग लाइनअप है, स्टार्टिंग लाइनअप में कोई चेंजेस नहीं। रिबी कालिन स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड पोजीशन से ताहिर सारी स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। स्मॉल फॉरवर्ड पोजीशन से नताशा हेमर, पावर फॉरवर्ड पोजीशन से बोनर, और सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करेंगी अलिसा थॉमस। ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप है। लास्ट मैचेस की इंजुरी अपडेट सुन लीजिए। नताशा हेडमैन लास्ट मैचेस में इलनेस की वजह से ज़्यादा टाइम खेली नहीं, वैसे भी इनकी शूटिंग भी इतनी बेटर रही नहीं थी। अगर नताशा हेडमैन कम टाइम खेलती तो उसका सीधा सीधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंस इफेक्ट ताहिर सारिस पर। जितना टाइम नताशा हेडमैन कम खेलेंगी उतना ज़्यादा टाइम ताहिर सारिस को मिलेगा, और ताहिर सारिस का लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा था। तो नताशा हेडमैन को आज के मैचेस में लेने का ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनेगा। ग्रैंड लीग भी करेंगे लेकिन वो भी रिस्की। चार सेमीफाइनल यानी सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल मैचेस की सीरीज खेल चुके हैं और नताशा हेडमैन के लिए एक ही मैच ऐसा गया है जहां पर इन्होंने डबल डिजिट में स्कोर किया है। तो नताशा हेडमैन को लेने का कोई सेंस बनता नहीं। टिफनी हाइज का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा रहा था और ये टीम डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग है, तो जो प्लेयर शूटिंग से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देते वो प्लेयर आपको डिफेंस के चलते, रिबाउंड, स्टील और ब्लॉक के चलते काफ़ी अच्छा परफॉर्म देंगे। उसका लास्ट मैच का एग्जाम्पल रहा टिफनी हाइज, इनके डिफेंस के चलते बहुत अच्छे पॉइंट रहे थे। बोनर एक ऐसे प्लेयर रहेंगे जो कि आज के मैचेस में शायद आपको रिबाउंड थोड़े से एक्स्ट्रा कलेक्ट कर देंगी एज कम्पेयर टू रिसेंटली मैचेस। ये दोनों प्लेयर इस टीम की मेन प्लेयर है, दोनों प्लेयर को आप एक टीम में रख कर कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। रिबिका आलिंग का भी अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, स्पेशली रिबिका आलिंग का डिफेंस भी अच्छा है, तो ये भी आपके लिए अच्छी पीक रहेंगी। लास्ट मैचेस का स्कोर कार्ड है, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कौन से प्लेयर कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। लास्ट मैचेस में जो परफॉर्मेंस आया था बोनर की तरफ से, शूटिंग से सबसे ज़्यादा शॉट यही दोनों प्लेयर लेते हुए देखने को मिलेंगे आपको, बोनर और उसी के साथ साथ अलिसा थॉमस। लास्ट मैचेस में अलिसा थॉमस स्ट्रगल कर रही थी, उसके चलते टिफनी हाइज की तरफ से ज़्यादा शॉट्स आए थे, लेकिन ये प्लेयर की जो मैं अभी तक यहाँ पर स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ, ये एक ऐसी प्लेयर है जो इस टीम की तरफ से बेस्ट थ्री पॉइंटर शूटर है। लास्ट मैचेस में इनकी थ्री पॉइंटर शूटिंग काफ़ी अच्छी रही थी। रेगुलरली तो आपको यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म दे नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अपोनेंट टीम है वो आज के मैचेस में टिफनी हाइज के अगेंस्ट एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ आएंगे और इनको अच्छा डिफेंस करेंगी, तो टिफनी हाइज आपको शायद आज के मैचेस में इतने ज़्यादा पॉइंट देते भी ना देखे। रिबिका आलिंग का लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस एक डिसेंट सा रहा था, शूटिंग से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी थ्री पॉइंट टू शूटिंग से, लेकिन 6.4 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 1 स्टील के चलते एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस। नताशा हेडमैन लास्ट मैच में इंजर्ड थी, ज़्यादा टाइम इनको मिला नहीं था, और इन दोनों प्लेयर को कम टाइम मिला था उसका सीधा सीधा इफेक्ट ताहिर सारिस और नेल्सन ओडा के ऊपर रहा था, क्योंकि नेल्सन ओडा को इन्होंने डिफेंस के लिए लाया था और नेल्सन ओडा की तरफ से टाइम भी अच्छा मिला था और परफॉर्मेंस भी एक डिसेंट सा आया था। तो बैन से इस टीम की तरफ से दो ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको रेगुलरली टाइम मिलता है, एक तो यहाँ पर नेल्सन ओडा जो कि पावर फॉरवर्ड पोजीशन से मिलेंगी और पॉइंट गार्ड पोजीशन से आपको ताहिर सारिस देखने को मिलेंगी, एक और प्लेयर है कैरिंगटन। कैरिंगटन का इस टीम के अगेंस्ट
परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एक ही मैचेस में, लेकिन कैरिंगटन को लास्ट मैच में तो टाइम मिला नहीं था और सेमीफाइनल मैचेस से तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे नहीं। यही दोनों प्लेयर है जो आपको मैक्सिमम टाइम बैंक से खेलते हुए देखने को मिलेंगे। ये हुआ कनेक्टिक केस की तरफ से प्लेयर परफॉर्मेंस। बात करेंगे न्यूयॉर्क की तरफ से। न्यूयॉर्क की तरफ से जो स्टार्टिंग लाइनअप है, विंडर स्लूट पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड पोजीशन से सबरीना लुसेंस, स्मॉल फॉरवर्ड पोजीशन से वेंजन लेनी, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से स्टीवर्ट और सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे जेंक्यूल जॉनस। टीम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अपोनेंट टीम का जो डिफेंस है वो इतना अच्छा रहा है अभी तक कि इनके जो मेन प्लेयर है स्टीवर और सबरीना लुसेंस, इन दोनों को अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं, स्पेशली शूटिंग से। लास्ट मैचेस में सबरीना लुसेंस की शूटिंग थोड़ी सी बेटर चली थी, लेकिन टर्नओवर के चलते ज़्यादा पॉइंट दिए नहीं थे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर भी इनके 30 रिमेलोम पॉइंट थे, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज़ रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर सबरीना लुसेंस टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा करे। लास्ट मैचेस का स्कोर कार्ड अगर यहाँ पर आप देखेंगे, सबरीना लुसेंस हाईएस्ट पॉइंट टेकर थी, लेकिन यहाँ पर 30 ट्रीमिलियम पॉइंट ही इन्होंने दे थे। स्टीवर का यहाँ पर अगर देखेंगे तो पॉइंट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं था, लेकिन इस प्लेयर के ब्लॉक और स्टील के चलते इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है कि इन्होंने 50 प्लस ट्रीमिलियम पॉइंट दिए। इसके चलते लास्ट मैचेस वन साइडेडली हमने विन किया था, क्योंकि ये हमारे एसपी थी और इनका सिलेक्शन परसेंटेज ना के बराबर था लास्ट मैचेस में। आज के मैचेस में बहुत सारे अपोनेंट के पास आपको देखने को मिलेंगे। फिर से अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो इन दोनों प्लेयर को अपने टीम में रख सकते हो। वेंजन लेनी के लास्ट मैच में 3-point शूटिंग चली थी, तो ये भी आपके लिए एक डिसेंट और इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। और इस टीम की तरफ से जो स्टार्टिंग लाइनअप है, मोस्टली सभी जो स्टार्टर है वो आपको बहुत अच्छा टाइम खेलते हुए देखने को मिलेंगे। इफ़ और अनलेस अगर से फर्स्ट मैच की तरह मैच वन साइडेडली ना हो, अगर मैच वन साइडेडली हो गया तो फिर थॉर्नटन और स्टेफनी लोल्सन और मरीना जॉनसन जैसे प्लेयर को आप बैन से खेलते देखेंगे। लेकिन ये जो प्लेयर है ये कंटिन्यूसली अपने टीम के लिए सबसे बेस्ट टाइम खेलकर आ रहे। जोंकिल जॉनस का भी अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। टीम की तरफ से बेंच प्लेयर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि रेगुलरली टाइम नहीं मिलता। थॉर्नटन और मरीना जॉन्स ऐसे ही दो प्लेयर हैं जिनके यहाँ पर टाइम मिलने के चांसेस रहेंगे, और स्टेफनी डोल्सन जो कि यहाँ पर ना के बराबर टाइम के लिए लगभग यहाँ पर इनको 4-5 मिनट ही मिलते हैं या फिर उससे कम टाइम मिलता है। ये टीम की तरफ से बेंच प्लेयर जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बात करेंगे हम हमारे ड्रीम इलेवन टीम की। जो लास्ट मैचेस की टीम थी वही एक मेरी टीम फाइनल रहेंगी, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी रिस्की टीम है, लेकिन कब तक यहाँ पर न्यूयॉर्क से यहाँ पर अपने बेस्ट प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जिनके बेस्ट प्लेयर है सबरीना लुसेंस और स्टीवर, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन दोनों को अपने टीम में लास्ट मैचेस में भी रखा था और दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस भी आए, तो ये दोनों मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद हैंजो एज अ क्रेडिट स्कोर मैंने पिक किया। यहाँ से आपको स्टेफनी डोल्सन खेलती हुई देखने को मिलेंगी, जो कि 4-5 मिनट से ज़्यादा टाइम खेली नहीं है अभी तक। और उसके बाद अलिसा थॉमस जो कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी पिक है, लेकिन दो हाई क्रेडिट के प्लेयर को एक ही टीम में, स्पेशली ड्रीम इलेवन पर रखना ऑलमोस्ट यहाँ पर इम्पॉसिबल है। अगर दोनों को आप एक ही टीम में रखते हो तो बाकी का क्या टीम कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपका अच्छा नहीं रहेगा क्रेडिट की वजह से। बाकी मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है आज के मैचेस में भी अलिसा थॉमस पर। मेरे टीम में रहेंगी स्टीवर, उसके बाद मैंने अपने टीम में यहाँ पर रखा है नेल्सन ओडा को, जो कि यहाँ पर खेलते देखने को मिलेंगे आपको बेंच प्लेयर। जोंकिल जॉनस मेरे टीम में रहेंगे, टीम में रहेंगी बॉनर, उसके बाद सबरीना लुसेंस को मैंने अपने टीम में रखा है, ताय सारी जो कि खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर। 9 क्रेडिट में मैंने अपने टीम में रखा है रिबिका आलिन। ये मेरी एक डेमो ड्रीम इलेवन टीम। अगर आप पर आपको इस टीम में कुछ चेंजेस करना है तो सबरीना लुसेंस की जगह पर ताई सारिस को आप अपने टीम में रख सकते हो, और रिबिका आलिन की जगह पर वेंडर स्लूट को आप अपने टीम में रख सकते हो। ये भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट मैचेस में वेंडर स्लूट की तरफ से भी परफॉर्मेंस आए और ताई सारिस की तरफ से भी परफॉर्मेंस आए एज कम्पेयर टू रिबिका आलिन। ये मेरी मोस्टली फाइनल टीम है। इस टीम में कोई चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। जो मेरी एसपी रहेंगी वो रहेंगी स्टीवर, और जो मेरी पीपी रहेंगी वो रहेंगी बोनर। ये मेरी ऑलमोस्ट यहाँ पर फाइनल टीम है। जो इससे पहले मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया था, सबरीना लुसेंस यहाँ पर मैंने ली थी और यहाँ पर वेंडर स्लूट की जगह पर रिबिका आलिन थी, वो टीम आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग के लिए और एक टीम सजेशन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कनेक्टिकट सुन्स अपने होम में खेले, तो होम के हिसाब से मैंने एक और टीम बनाई जो आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में उस टीम के साथ जा सकते हो। और इस टीम में जो मेरे टीम में रहेंगी वो रहेंगी यहाँ पर अलिसा थॉमस, ये मेरे टीम में रहेंगी। उसके बाद ब्रियान स्टोवर को ड्रॉप करने का मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है। यहाँ से मेरी टीम में रहेंगी नेल्सन ओडा, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से बोनर, जोंकिल जॉनस ये मेरी टीम में रहेंगी, शूटिंग गार्ड पोजीशन से ताय सारिस मेरी टीम में रहेंगी, उसके बाद वेंडर स्लूट, ताय सारिस मेरी टीम में रहेंगी। बचेंगे 7.5 क्रेडिट जहाँ पर क्रेडिट इशू है, उसके चलते यहाँ पर थॉर्नटन को मैंने अपनी टीम में रखा है।
ये एक टीम जो कि मैक्सिमम इन फेवर करेंगी यहाँ पर कनेक्टिकर्स, जहाँ पर इनके स्टार्टर अलिसा थॉमस, ब्रोनर टिफनी हाइज, ये तीनों स्टार्टर रहेंगे। ताई साइरिस और नेल्सन ओडा दोनों खेलते हैं बैन से, लेकिन बैन से दोनों को काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है। जोंकिल जॉनस की तरफ से कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस आया, वेंडर सलूट ने भी एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस अपने हर एक मैचेस में दिया है। तो ये एक सेकंड डेमो ड्रीम इलेवन टीम, जहाँ पर मैंने इस टीम को ग्रैंड लीग के लिए प्रेफरेंस दिया, तो ये टीम आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। यस पी रहेंगे आपकी अलिसा थॉमस और पीपी यानी वाइस कैप्टन रहेंगे बॉनर, और एक टीम में वेंडर सलूट आपकी वाइस कैप्टन और एक टीम में जोंकिल जॉनस आपके वाइस कैप्टन रहेंगे। ये ग्रैंड लीग के लिए डेमो ड्रीम इलेवन टीम। स्मॉल लीग की टीम भी मैंने आपको बता दिए, तीनों टीम यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, वैसे जो वीडियो टीम है वही फाइनल टीम है, तो सेव कर कर रख लेना। अगर मॉर्निंग में मैं कोई अपडेट दे नहीं पाया तो वीडियो टीम के साथ जा सकते हो, उसी टीम के साथ मैं फिलहाल कंटेंट ज्वाइन कर रख रहा हूँ।